सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ अमेजन सेल के बारे में। यहाँ दोस्तों अमेजन पर फिर से एक सेल स्टार्ट हो चुकी है जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी स्मार्टफोन के ऊपर अच्छे अच्छे ऑफर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपसे इसी सेल के बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको इस सेल में किस फ़ोन पर कितना डिस्काउंट देखने को मिल रहा है और आपको इस सेल से कौन सा फ़ोन अच्छे कीमत में मिल सकता है और आपको कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए जो कि दोस्तों एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन हो आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मैं जब भी कोई वीडियो ट्यूब पर डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इस सेल के बारे में पूरे डिटेल में बताता हूँ कि आपके लिए कौन सा फ़ोन परफेक्ट रहेगा इस सेल के अंदर। दोस्तों अमेजन पर 22 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक सेल स्टार्ट होने वाली है जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी स्मार्टफोन के ऊपर अच्छे अच्छे ऑफर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों पहले ऑफर की बात करें तो ये आ रहा है दोस्तों रेडमी 9 पावर के ऊपर। दोस्तों ये फ़ोन आपको इस सेल में 10,500 रुपये देने को मिलेगा और दोस्तों इसके जो प्राइस कम हुई है प्लस दोस्तों आपको अगर आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का कार्ड है तो 10% का डिस्काउंट देने को और मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये फ़ोन दोस्तों आपको सिर्फ 9,500 रुपये का पड़ सकता है जो दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है 9,500 रुपये में। दूसरा दोस्तों ऑफर आ रहा है रेडमी नोट 9 प्रो के ऊपर। दोस्तों ये फ़ोन आपको इस सेल के अंदर 12,000 रुपये का देखने को मिलेगा प्लस दोस्तों 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा कोटक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर। तो ये फ़ोन भी दोस्तों आपको वैल्यू फॉर मनी है इस सेल के अंदर। तीसरा फ़ोन है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M31S। दोस्तों ये फ़ोन आपको इस सेल के अंदर 18,500 रुपये का देखने को मिलेगा प्लस दोस्तों 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा अगर आपके पास कोटक का कार्ड है। तो अगेन दोस्तों ये फ़ोन आपको 17,750 का पड़ सकता है जो दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है 17,750 रुपये के अंदर सैमसंग की तरफ से। अगर आपको सैमसंग का फोन चाहिए तो आप इस फ़ोन को ले सकते हो। दोस्तों अगले फ़ोन की बात करें तो वो है रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स। दोस्तों इस फ़ोन की कीमत 15,000 रुपये है। अगर दोस्तों आप इसे कोटक के कार्ड से खरीदते हो सेल के अंदर तो ये फ़ोन सिर्फ आपको 13,500 रुपये के आसपास पड़ सकता है या फिर दोस्त 13,750 का पड़ सकता है। तो दोस्तों 13,500 रुपये के आसपास ये फ़ोन आपको काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी साबित होगा अगर आप इस फ़ोन को लेते हो इस सेल के अंदर। तो दोस्तों काफ़ी ऐसे फ़ोन हैं जो इस सेल के अंदर आपको अच्छे अच्छे ऑफर देखने को देते हैं और अगर आपके पास कोटक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 10% का डिस्काउंट देखने को अलग से मिल जाएगा। चाहे कोई सा भी फ़ोन खरीदो सेल के अंदर जो भी फ़ोन लिस्ट में होंगे उन सब के ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा आपको इन सब फ़ोन के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप कोई फ़ोन लेने सोच रहे हो जो दोस्तों 10 से 25,000 रुपये के बीच में हो तो आप 22 फरवरी तक वेट कर सकते हो क्योंकि दोस्तों 22 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक अमेजन के ऊपर एक सेल स्टार्ट होने वाली है जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी स्मार्टफोन के ऊपर अच्छे अच्छे ऑफर देखने को मिलते हैं और क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोटक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 10% का डिस्काउंट देखने को अलग से मिल जाएगा। तो आप कुछ दिन वेट कर सकते हो और आप एक अपने लिए फ़ोन खरीद सकते हो इस सेल के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो चली गई और वीडियो चलेगी हो तो सलाह को से जरूर करें और अभी तक अगर हमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों पहले तक वीडियो में तब तक लीजिए जय हिंद वंदे मातरम।